हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। टुडे वी विल लर्न अलाइड एंगल्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अलाइड एंगल, इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली व्हाट इज अलाइड एंगल? अलाइड एंगल किसको कहते हैं? द एंगल्स हुज सम और डिफरेंस विद एंगल थीटा इज जीरो। थीटा के साथ सम और डिफरेंस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ओके, आर कॉल्ड अलाइड टू द थीटा। उसको बोलते हैं थीटा से अलाइड है। दैट मीन्स 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा को अलाइड एंगल्स बोला जाता है, ओके। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केयरफुली इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लेट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस एंड दिस इज द माइनस वाई एक्सिस, ओके। सपोज दैट दिस एंगल इज प्लस थीटा, ओके, एंड दिस एंगल इज दिस टर्मिनेटिंग और रिवॉल्विंग लाइन मैक्स माइनस थीटा, ओके, माइनस थीटा। नाउ लेट दिस रिवॉल्विंग लाइन इज, ऐसे यहाँ से गया 90 डिग्री कवर किया एंड फिर थोड़ा सा बैक डायरेक्शन में आया, देन दिस एंगल, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं बिकॉज दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलाइड एंगल को। इससे आपको 90 प्लस के जो वैल्यूज होते हैं वो ईजिली आप इसको याद रख सकते हैं, इजी वे में आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हाउ यू कैन सी, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द माइनस वाई एक्सिस, ओके, एंड लेट दिस एंगल इज प्लस थीटा एंड दिस एंगल इज माइनस थीटा, ओके। नाउ दिस इज द रिवॉल्विंग लाइन, दिस इज नोन एज द रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन पहले भी हमने बताया आपको, रिवॉल्विंग लाइन अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो निगेटिव एंगल बनेगा। सपोज दैट नाउ दिस रिवॉल्विंग लाइन मेक्स एंगल प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा, दैट मीन्स दिस इज द जीरो डिग्री लाइन और 360 डिग्री लाइन एंड दिस इज द 90 डिग्री लाइन एंड दिस इज द 180 डिग्री लाइन एंड दिस इज द 270 डिग्री लाइन, ओके। तो रिवॉल्विंग लाइन अगर इस लाइन पे एग्जैक्ट होगा तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा या तो 360 एंगल बनाएगा। थोड़ा सा ऊपर गया तो 0 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज द 0 डिग्री प्लस थीटा। नीचे गया 0 डिग्री माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, ओके। सपोज दैट रिवॉल्विंग लाइन ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री बनाया, थोड़ा सा बैक डायरेक्शन में आ गया तो एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज कॉल्ड 90 माइनस थीटा। दिस ये 90 माइनस थीटा का लाइन हो गया एंड नाउ वी कैन मेक दिस एंड दिस इज द 90 प्लस थीटा का लाइन हो गया, 90 प्लस थीटा डिग्री का लाइन हो गया, ओके। नाउ दिस इज द अगेन रिवॉल्विंग लाइन। सपोज दैट इतना घूम गया, 180 डिग्री एंगल बनाया, थोड़ा सा पीछे गया तो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा एंड थोड़ा सा आगे मूव कर गया तो कितना एंगल बना लेगा? 180 डिग्री प्लस थीटा, ओके। नाउ सपोज दैट दिस रिवॉल्विंग लाइन रिचेस टू हेयर, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया? 270 का, एंड थोड़ा सा पीछे आ गया तो एक एंगल कितना बन जाएगा? 270 डिग्री माइनस थीटा एंड थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो कितना बना लेगा ये एंगल? 270 प्लस थीटा, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इसको एक ऐसे डंबल में रख देंगे, इसको भी एक डंबल में रख देंगे, इसको एक डंबल में रख देंगे, इसको
एक डंबल में रख देंगे। ओके, यहाँ पे डबल डंबल बन गया, डबल डंबल। ओके, दो डंबल बन गया, डंबल डमरू जो भी बोलिए। ओके, डबल डंबल बन गया। एंड दिस डंबल जो वर्टिकल डंबल है उसको बोलेंगे बाई एक्सिस टचेज डंबल, बाई एक्सिस टचिंग डंबल जो भी बोलेंगे। इस डंबल को हम क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस टचिंग डंबल, टचिंग डंबल। एंड दिस हॉरिजॉन्टल डंबल, दिस हॉरिजॉन्टल डंबल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। ओके, एंड दिस वर्टिकल डंबल इज नोन एज द बाई एक्सिस टचिंग डंबल, एंड दिस हॉरिजॉन्टल डंबल, यू कैन सी दिस हॉरिजॉन्टल डंबल इज एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। ओके, एंड इस लाइन को बोलेंगे प्लस थीटा का लाइन, इस एंगल को बोलेंगे माइनस थीटा का लाइन, और 360 माइनस थीटा का लाइन। ओके, इस लाइन को बोलेंगे हम 90 माइनस थीटा का लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम 90 प्लस थीटा का लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम 180 माइनस थीटा, बिकॉज ऐसे रिवॉल्व किया 180 थोड़ा सा घट गया, 180 माइनस थीटा, अगर आगे चला गया 180 प्लस थीटा। एंड इस लाइन को बोलेंगे हम 270 माइनस थीटा का लाइन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे 270 प्लस थीटा का लाइन बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं, अल्टरनेट वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता? कॉस थीटा होता। साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉस थीटा होता, एंड कॉस थीटा का अल्टरनेट वैल्यू साइन थीटा होता। साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉस थीटा होता है, एंड कॉस थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा होता है। नाउ टैन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। एंड कॉट थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? टैन थीटा होता है। ओके, कॉट थीटा का अल्टरनेट वैल्यू साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का अल्टरनेट वैल्यू साइन थीटा, टैन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का अल्टरनेट वैल्यू टैन थीटा। ओके, नाउ सेक थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा होता है। यू कैन सी साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है? यू कैन सी साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉस थीटा है, टेन थीटा, एंड कॉस थीटा का एरो रिवर्स हो गया ना, कॉस थीटा का साइन थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा का अगेन अल्टरनेट वैल्यू क्या होगा? कॉसेक थीटा का सेक थीटा होगा। ओके, यू कैन सी कॉसेक थीटा का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता? सेक थीटा होता। ओके, अब ये अल्टरनेट वैल्यू हो गया। ओके, एंड यहाँ पे वन थिंग, एक चीज़ लिखना है, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल सेम वैल्यू, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल इज सेम वैल्यू, इसका मीनिंग क्या अभी समझ में आ जाएगा? सेम वैल्यू, जो जिस डंबल एक्स एक्सिस को टच करेगा उसमें वैल्यू सेम होगा। वैल्यू सेम मीन्स साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का कॉट, सॉरी टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, वैल्यू अल्टरनेट नहीं होगा। दैट मीन्स दिस लाइन, ऑल दीज रिवॉल्विंग लाइन्स लाई इन एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। देखिए, हमने बोला ना, दिस हॉरिजॉन्टल डंबल को बोलेंगे एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, एंड दिस वर्टिकल डंबल को क्या बोलेंगे? बाई एक्सिस टचिंग डंबल। ओके, तो एक्स एक्सिस टचिंग डंबल में कौन कौन सा लाइन है?
दिस लाइन प्लस थीटा का लाइन है, माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा का लाइन है, एंड 180 माइनस थीटा का लाइन है, एंड 180 प्लस थीटा का लाइन है। ओके इतना लाइन है। एंड बाई एक्सिस टचिंग डंबल, बाई एक्सिस टचिंग डंबल में कौन कौन सा लाइन है, 90 माइनस थीटा का लाइन है, 90 प्लस थीटा का लाइन है, 270 माइनस थीटा का लाइन है, 270 प्लस थीटा का लाइन है। ओके नाउ अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाई एक्सिस, बाई एक्सिस टचिंग डंबल, बाई एक्सिस टचिंग डंबल, डंबल अल्टरनेट वैल्यू, अल्टरनेट वैल्यू। ओके बाई एक्सिस टचिंग डंबल अल्टरनेट वैल्यू, बाई एक्सिस टचिंग डंबल अल्टरनेट वैल्यू, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल सेम वैल्यू, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल सेम वैल्यू, बाई एक्सिस टचिंग डंबल अल्टरनेट वैल्यू। ओके तो अल्टरनेट वैल्यू आपको याद रखना है, साइन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, टैन थीटा का अल्टरनेट वैल्यू कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का टैन थीटा होता है, सेक थीटा का कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का सेक थीटा होता है। ये वैल्यू याद रखना है। ओके सो सिंपल एक बार फिर से देखिए, अगर ये रिवॉल्विंग लाइन इस लाइन पे है तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा और 360 का एंगल बनाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 0 डिग्री प्लस थीटा, प्लस थीटा और इसको बोल सकते हैं 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और क्या बोल सकते हैं 360 प्लस थीटा। दिस लाइन, ये जो लाइन है वो प्लस 0 डिग्री प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा का लाइन है। एंड दिस लाइन 90 माइनस थीटा, ऐसे गया, ऐसे गया 90 डिग्री, पीछे आ गया थोड़ा सा 90 माइनस थीटा, आगे बढ़ गया 90 प्लस थीटा। ये लाइन ऐसे मूव किया लाइक दैट, रिवॉल्व किया, ऐसे बना लिया 180 डिग्री, थोड़ा सा पीछे गया 180 माइनस थीटा, आगे बढ़ गया 180 प्लस थीटा, एंड आगे गया ऐसे ऐसे 270, थोड़ा सा पीछे गया 270 माइनस थीटा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया 270 प्लस थीटा। ओके नाउ सपोज दैट ऐसे पूरा घूम गया 360, पीछे गया 360 माइनस थीटा, आगे बढ़ा 360 प्लस थीटा। इतना बात समझ लेना, और इसको एक ऐसे कर्व से ऐसे ज्वाइन कर देना है ऐसे ऐसे, दैट मीन्स टू डंबल्स बन गया, एक एक्सिस टचिंग डंबल इसको बोलेंगे और बाई एक्सिस टचिंग डंबल बोलेंगे। ओके एक एक्सिस टचिंग डंबल, ये पूरा ये जो डमरू बन गया, और यस डमरू बन गया, एक एक्सिस कहलाऊँ, एक एक्सिस टचिंग डंबल हो गया और एक डमरू बन गया, बाई एक्सिस टचिंग डंबल हो गया, अल्टरनेट वैल्यू हो गया। एंड वन थिंग रिमेंबर दैट, एक एक्सिस टचिंग डंबल इज सेम वैल्यू, एंड बाई एक्सिस टचिंग डंबल, टचिंग डंबल इज अल्टरनेट वैल्यू। एक एक्सिस टचिंग डंबल अगर होगा तो सेम वैल्यू रहेगा, इसका मीनिंग क्या है, सेम वैल्यू का मीनिंग है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। एंड बाई एक्सिस टचिंग डंबल है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया वैल्यू अल्टरनेट कर जाएगा, वैल्यू अल्टरनेट कर जाएगा मीन्स साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टैन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा, सेक का कॉसेक बन जाएगा, एंड कॉसेक का सेक बन जाएगा। ओके यहाँ तक क्लियर है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, तो फार्मूले इससे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट फार्मूला वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, फार्मूले बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या फार्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन सी हियर, देखिए फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला, फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज दैट साइन प्लस थीटा का वैल्यू, साइन प्लस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा होगा। एंड एक चीज़ और याद रखना है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो। ओके तो ये बात समझ में आ गया, दिस इज द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, दिस इज द बाई एक्सिस टचिंग डंबल। ओके अब देखिए बहुत सारे सेट्स ऑफ फॉर्मूले आने स्टार्ट हो जाएंगे, साइन प्लस थीटा, प्लस थीटा का ये लाइन है प्लस थीटा। ओके एंड यू कैन सी दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। ओके तो वैल्यू सेम है, साइन थीटा का साइन थीटा, साइन प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा।
cos plus theta is equal to plus cos theta, tan plus theta is equal to plus tan theta and so on. और थ्री रिमेनिंग रेशियोज को लिख सकते हैं एज इट इज हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव एंड दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डबल, दैट मींस सेम वैल्यू होगा एंड साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होगा. साइन माइनस क्यों साइन माइनस थीटा, देखिए दिस इज द लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डबल, यू कैन सी साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा. क्या होगा? माइनस साइन थीटा. वाई माइनस साइन थीटा, वाई नॉट प्लस साइन थीटा. एंड सबसे पहले तो देखेंगे कि दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, तो सेम वैल्यू होगा, साइन का साइन ही रहेगा. ओके सेम वैल्यू होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा. ओके साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा एंड साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा. और इसका साइन निगेटिव क्यों होगा? बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता? निगेटिव होता. लाइक दैट साइन माइनस थर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थर्टी, दैट मीन्स माइनस हाफ. साइन माइनस थर्टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थर्टी, दैट मीन्स माइनस हाफ. ओके कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड कॉस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, दैट्स व्हाई पॉजिटिव हियर. एंड कॉस का कॉस ही होगा बिकॉज दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल. ओके दैट्स व्हाई कॉस का कॉस, सेक का सेक, टैन का टैन, कॉट का कॉट, ऐसा ही कुछ होगा. ओके एंड ओनली पॉजिटिव कॉस सेक होगा, कॉस सेक पॉजिटिव होगा एंड फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वुड बी निगेटिव. साइन निगेटिव हो गया, टैन निगेटिव हो गया एंड कॉट निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक निगेटिव हो जाएगा. ओके नाउ यू कैन सी कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा. ओके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. एक अलग सा उसका वीडियो बना देंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा. साइन 90 प्लस थीटा का कौन सा लाइन है? सॉरी साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा का ये वाली लाइन है एंड दिस लाइन लाइज इन दिस डंबल, दैट मींस बाई एक्सिस टचिंग डंबल में लाई कर रहा. तो बाई एक्सिस टचिंग डंबल में लाई कर रहा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हो जाएगा. बाई एक्सिस टचिंग डंबल में लाई कर रहा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हो जाएगा. साइन का अल्टरनेट वैल्यू कॉस हो जाएगा. तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा. बिकॉज साइन का अल्टरनेट कॉस होता है एंड पॉजिटिव क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस लाइन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है. ओके तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हुआ? बिकॉज दिस लाइन लाइज दिस लाइन टचेस टू द बाई एक्सिस टचिंग डंबल, और यू कैन से दिस लाइन लाइज इन द बाई एक्सिस टचिंग डंबल. ये है ना, इस डंबल को हम बोल रहे हैं बाई एक्सिस टचिंग डंबल. दिस डंबल, दिस वर्टिकल डंबल इज द बाई एक्सिस टचिंग डंबल एंड दिस हॉरिजॉन्टल डंबल इज द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल. ओके कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा एंड और भी हम लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट प्रैक्टिस होगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल राइटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन 120 डिग्री, साइन 180 डिग्री एंड साइन 210 डिग्री. बहुत सारे इस टाइप से एंगल्स के ऊपर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे. ओके नाउ देखिये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा हो जाएगा. कॉट का अल्टरनेट वैल्यू, कॉट का अल्टरनेट वैल्यू. ओके नाउ सेक, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा. देखिए सब पॉजिटिव है. नाउ फोर्थ सेट ऑफ दिस फॉर्मूला, फोर्थ सेट अब इससे बना लेते हैं, 90 प्लस थीटा से बना लेते हैं.
तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा, जस्ट प्लस थीटा, दैट मीन्स गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस एंगल गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता, रेस्ट फोर क्या होता, निगेटिव होता, तो साइन तो पॉजिटिव होगा, ओके, साइन का साइन पॉजिटिव होगा, एंड इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा कि अल्टरनेट होगा, उसको देखने के लिए अब इस लाइन को देखिए, दिस लाइन लाइज इन दिस डंबल, वाई एक्सिस टचिंग डंबल, दैट मीन्स अल्टरनेट होगा, कॉस साइन का अल्टरनेट कॉस थीटा होता, तो प्लस कॉस थीटा हो गया, हियर प्लस साइन, एंड एंड कॉसेक 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 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही होगा, एंड कॉसेक का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा हो गया, सेक थीटा। नाउ अगर आपको लिखना है कॉस 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, वाई माइनस, बिकॉज कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है, दैट्स वाई निगेटिव साइन हियर, एंड कॉस का अल्टरनेट वैल्यू साइन, कॉस का अल्टरनेट वैल्यू क्या हो गया, साइन हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला 90 tan 90 प्लस थीटा, ओके, तो 90 प्लस थीटा का लाइन ही है, एंड दिस लाइन लाइज इन द बाई एक्सिस टचिंग डंबल, दिस लाइन लाइज इन द बाई एक्सिस टचिंग डंबल, दैट्स व्हाई इसका वैल्यू अल्टरनेट कर जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, टैन का क्या हो गया, कॉट होगा। अब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, निगेटिव होगा, बिकॉज 90 प्लस थीटा गोज टू द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टैन थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज निगेटिव, निगेटिव होता है, एंड सो ऑन, इस टाइप से आप बहुत सारे सेट्स ऑफ फॉर्मूले आप बना सकते हैं, ओके, सो नोट डाउन, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एंड ये फॉर्मूले लिखने के बाद हम बहुत सारे वैल्यूज लेंगे एंड उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। नाउ ओके, फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला, फोर्थ सेट, साइन साइन, अब इस पे आ जाते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, स्टिल दिस लाइन, दिस लाइन लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो टचेज बाई एक्सिस टचिंग डंबल। अब देखिए जो लाइन है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड कौन सा डंबल में है, इन विच डंबल, बाई एक्सिस टचिंग डंबल, सॉरी एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। देखिए इस डंबल को, इस डंबल को हमने क्या बोला, इस डंबल को हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, एंड इस डंबल को हमने क्या बोला, बाई एक्सिस टचिंग डंबल, इसको हमने बोला बाई एक्सिस टचिंग डंबल। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, वैल्यू अल्टरनेट नहीं करेगा, सेम वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल में अगर लाइन है तो सेम वैल्यू, एंड बाई एक्सिस टचिंग डंबल में लाइन है तो अल्टरनेट वैल्यू, तो साइन का क्या हो गया, साइन ही हो गया, एंड इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। नाउ कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों माइनस कॉस थीटा होगा, बिकॉज कॉस ना सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, एंड कॉस का कॉस ही रहेगा, सेम वैल्यू होगा, 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, 0 डिग्री प्लस थीटा हो, 0 डिग्री माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, इन सारे केसेस में सेम वैल्यू होगा, बिकॉज ऑल दीज लाइंस, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। तो जो लाइन एक्स एक्सिस टचिंग डंबल में होगा तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेम वैल्यू होगा, बट जो लाइन बाई एक्सिस टचिंग डंबल में होगा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अल्टरनेट वैल्यू होगा। दैट मीन्स अगर इस लाइन की बात करें तो वैल्यू अल्टरनेट हो जाएगा, इस लाइन की बात करें तो वैल्यू अल्टरनेट हो जाएगा, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 प्लस थीटा की बात करें, 270 माइनस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा की बात करें,
इन सारे केसेस में वैल्यू क्या कर जाएगा, अल्टरनेट कर जाएगा। ओके, तो देखिए साइन कॉस टैन की बात करते हैं हम, टैन 180 प्लस सॉरी माइनस थीटा, तो इस केस में क्या होगा, माइनस टैन थीटा हो जाएगा, माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ कॉसेक कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस हो जाएगा कॉसेक थीटा एंड सो ऑन। नाउ फिफ्थ सेट ऑफ फार्मूला जो बचा उसको आप लिख सकते हैं। ओके, एंड फिफ्थ सेट ऑफ फार्मूला 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है, देखिए दिस लाइन लाइज इन दिस डंबल एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, तो सेम वैल्यू होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। वाई माइनस, बिकॉज दिस एंगल गोज टू द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन कॉट इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ओके, तो ऐसा कुछ हो गया। नाउ कॉस 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 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा सेम वैल्यू रहेगा। नाउ टैन टैन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस टैन थीटा ही होगा। वाई प्लस टैन थीटा, बिकॉज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन इज पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन इज पॉजिटिव। ओके, यस, एवरीथिंग इज विजिबल, थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं। यस, टैन 180 प्लस थीटा प्लस टैन थीटा ही होगा, टैन 180 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस टैन थीटा ही होगा। ओके, रेस्ट जो बच गया आप लिख लीजिएगा। नाउ नाउ इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फार्मूला हमने क्लास 11th में मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। ओके, एंड बहुत यूजफुल है, तो फिजिक्स में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नाउ नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेट हो गया ना, सिक्स सेट ऑफ फॉर्मूला, दैट मीन्स साइन 270 प्लस माइनस थीटा, दिस लाइन इज ऑफ 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, एंड दिस इज दिस लाइन लाइज इन दिस डंबल, दैट मीन्स बाई एक्सिस टचिंग डंबल, तो बाई एक्सिस टचिंग डंबल में क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ऑब्वियसली निगेटिव होगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस साइन हियर। नाउ कॉस 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 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। नाउ टैन टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। वाई प्लस कॉट थीटा, बिकॉज इन दिस क्वाड्रेंट दैट मीन्स इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा वुड बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, एंड इसका अल्टरनेट वैल्यू हो गया, बाकी रेस्ट आप लिख लीजिएगा। नाउ सेवन सेट ऑफ फार्मूला, दैट मीन्स 270 प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट करेगा वैल्यू, साइन का कॉस हो गया, कॉस थीटा, एंड इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज निगेटिव। नाउ कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, कॉस एड सुगर टू कॉफी, 270 प्लस थीटा गोज इन टू फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया, तो प्लस साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा, रिमेनिंग एज सोन आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू अल्टरनेट हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक, लाइक दैट। ओके, नाउ इट्स सेट ऑफ द फॉर्मूला, थ्री सिक्सटी माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ऑब्वियसली दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 360 माइनस थीटा, एंड दिस लाइन लाइज इन दिस डंबल, इन एक्स एक्सिस टचिंग डंबल, तो एक्स एक्सिस टचिंग डंबल में है तो सेम वैल्यू होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो
तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव के निगेटिव, ऑब्वियसली निगेटिव। वाई निगेटिव? बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव। नाउ कॉस, कॉस 360 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज प्लस कॉस थीटा। अब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टाइम का टाइम ही रहेगा, सेम वैल्यू होगा, अल्टरनेट वैल्यू नहीं होगा, अल्टरनेट वैल्यू नहीं होगा। टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। वाई माइनस टेन थीटा? बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट टेन इज निगेटिव। सो सिंपल। तो ऐसे हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ओके, यहां तक आप लोग लिख लीजिए एंड इस पे देखिए एक तो प्रॉब्लम करते हैं एंड उसके बाद वीडियो स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे सो दैट अगेन फिर से रिवाइज हो जाए। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन, सपोज दैट हमें फाइंड करना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। ओके, साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 120 डिग्री को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स साइन 90 प्लस कितना? 30 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। अब देखिए 90 प्लस थीटा का लाइन ये हो गया ना, बाई एक्सिस टचिंग डंबल में चला गया ना, तो इसका वैल्यू अल्टरनेट हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ओके, साइन का कॉस, कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस 30 होगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इससे देखेंगे हम पॉजिटिव निगेटिव, अब इससे नहीं देखेंगे, कॉस 30 से नहीं देखेंगे, अब इससे देखेंगे। ओके, अब देखिए साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। एंड साइन कॉस 30 का वैल्यू पता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है, दैट्स व्हाई आप देखिएगा टेबल में साइन 120 का वैल्यू √3/2 लिखे हुए हैं। ओके, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी स्प्लिट कर सकता है, कैसे? 180 में कितना घटेगा? 60 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तब भी क्या होगा? साइन 120 ही आएगा ना, साइन 180 माइनस 60 साइन 120 आएगा। ओके, नाउ अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा का लाइन है, अब एक एक्सिस टचिंग डंबल में हो गया तो साइन का साइन ही रह जाएगा, दैट मीन्स साइन 60 ही रह जाएगा। ओके, साइन 60 रह जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। देखिए दोनों केसेस में वैल्यू सेम आ रहा है ना, एकदम सेम आ रहा। सेकंड वन इधर, सपोज दैट साइन 150 का वैल्यू, साइन 150 का वैल्यू इसको कैसे आप लिखोगे? साइन 180 माइनस 30 डिग्री, 180 में से 30 डिग्री घटा लेंगे और यू मे राइट इट 90 प्लस 60 साइन 90 प्लस 60 तब भी वैल्यू सेम ही आएगा। अब देखिए 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा लाइज इन दिस डंबल, दैट मीन सेम वैल्यू होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन क्या हो गया? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा बिकॉज दिस एंगल गोज इन टू द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। एंड साइन 30, यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 30, हाफ, दैट मीन्स साइन 150 का वैल्यू क्या हो गया? हाफ हो गया। इस प्रकार से जो भी टेबल में इधर था इस राइट हैंड साइड में था, दैट मीन्स 120 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, उसका वैल्यू इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स साइन 180 डिग्री है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 और 180 माइनस 0। ओके, कॉस 180 डिग्री है तो कॉस 90 प्लस 90 और कॉस 180 माइनस 0, इस ढंग से हम लिख सकते हैं। ओके, तो रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे सो दैट कंसेप्ट एक बार आपको फिर से और रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।